हेलो असलम, कैसे हैं आप साहब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साहब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, पेंडिंग का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है लेकिन ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करने के बाद यहां से कोई भी ऐप में जस्ट आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। आपने क्या करते हैं, आप कोई भी ऐप सर्च करते हैं उसको, यहाँ पे इसके बाद इंस्टॉल पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आता है या फिर वेटिंग फॉर वाईफाई लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने बैक आना है, ठीक है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर आपकी कार्नर पर प्रोफाइल होती है, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। इस आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंसेस, सिंपली आपने इस जगह पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाते हैं तीन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आएगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस, इसका मतलब है जो भी आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब वो कौन से नेटवर्क, मोबाइल डाटा पर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वाईफाई पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ओवर एनी नेटवर्क, मतलब वाईफाई हो या मोबाइल डाटा हो। इससे क्या होगा कि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज ये आपको परमिशन मांगेगा। ये सेटिंग इस वजह से आपकी मसला कर रहा है, आपके फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा। सबसे पहली सेटिंग ये करनी है आपने। उसके बाद दूसरा आपको ऑप्शन आ जाता है ऑटो अपडेट ऐप्स, ठीक है। अगर तो आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसको अपडेट ओवर वाईफाई ओनली रखना है। इसकी वजह ये है कि अगर आपका मोबाइल डाटा होगा तो फिर आपको अगर ऑटो अपडेट पर ये मोबाइल डाटा पर लगा रहेगा तो आपका जितना भी डाटा होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उससे बेहतर है आपने इसको अपडेट ओवर वाईफाई ही रखना है, ताकि आप अगर इसको आप अपडेट करना चाहते हैं खुद भी ओपन करके कर सकते हैं, वो आसान तरीका है, ठीक है। तो आपका जो डाटा होगा वो सेव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑटो प्ले वीडियो, इसको भी आपने वाईफाई पे रख लेना है, ठीक है। ऑटो प्ले वीडियोज अवर वाईफाई ओनली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या होना है, बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ से आप किसी भी ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो पेंडिंग या वाईफाई का ऑप्शन जो है लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पर मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।